नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बदरपुर की राजनीति पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं और मुद्दा है विधानसभा चुनाव के साथ साथ तमाम पार्टियों द्वारा यहां जनता को दिए जा रहे लुभावने की। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, पूर्व डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं सेंट्रल जोन के, महेश अवाना जी हमारे साथ हैं, मिसेज पार्षद है। तो सबसे पहले तो क्या अवाना साहब, जिस पार्षदी को आप कई बार जीतते आए हैं, इस बार फिर जनता का प्यार रहा, प्रेम रहा और उसके बदौलत फिर से आपके मिसेज पार्षद हैं, किस तरह साफ सफाई की व्यवस्था आपके क्षेत्र में चल रही है? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दोबारा समाज, जनता उसको चुनने का मौका देती है, उसको बनाने के लिए तैयार रहती है। तो कुछ काम मैं कर पाया हूँगा अच्छे, ऐसा लोगों की नज़रों में है, मान सम्मान देना, लोगों के समय पर आने पर कोई भी काम है जो जिस लायक में हूँ उस काम को पूरा करना, और लोगों से बिल्कुल एक घर जैसा व्यवहार रखना, एक आपस का तालमेल बिठा के रखना, दुख और सुख में शरीक होना। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ अन्य अन्य जो हमारे यहाँ जातियाँ हैं, अन्य धर्म के जो लोग हैं, सबके यहाँ कहीं भी कोई बात होती है तो उसमें शामिल होना, यही एक राजनीति का सबसे बड़ा पहलू है कि सबको साथ लेके चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपने क्षेत्र में काम भी करवाए हैं, जनता का ऐसा मानना है, लेकिन मुद्दा है आपके क्षेत्र में ओजोन का, और अभी ओजोन को लेकर हलचल तेज है। देखिए, जिस ओजोन को लेकर बात ये की जा रही थी कि ओजोन एफ जोन में कन्वर्ट हो गया, फिर वही ओजोन वापस आ जाता है, पता नहीं किस तरह घूम रहा है ये एंगल, और उसके बाद एक जनसभा हो जाती है बीजेपी की कि भाई दिवाली से पहले क्षेत्रवासियों को खुशखबरी मिल जाएगी, उससे पहले तक कोई अपडेट नहीं रहता। ओजोन के लिए यहाँ की RWA लड़ाई लड़ती है, सरजीत चौका अनिल शर्मा लड़ाई लड़ रहे हैं, दुष्यंत प्रधान जी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कौन आखिर में, आप विधायक जी कह रहे हैं कि हमने कॉलोनी नियमित कराने के लिए ये किया है और ओजोन अब हट रहा है, तो कौन है इसका क्रेडिट का हकदार कौन? देखो, मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कहते हैं ना, जब खाना बन जाता है ना तो सब उसको खाने के लिए तैयार होते हैं। जब वो खाना बनता है उसमें क्या रॉ मटेरियल लगता है, कितना उसका खर्चा होता है, क्या नहीं होता है, क्या भाग दौड़ होती है, क्या उसमें इंसान क्या क्या उसमें भाग दौड़ करके किस तरह से उसको पटरी पे लाता है, ये सब चीज़ें हर व्यक्ति के बस की नहीं होती जी। इसका सीधा सीधा एक ही मुद्दा है कि जिसको काम करना नहीं आता, जो काम नहीं कर सकते, वो लोग इस मुद्दे पर ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हैं, और ना ही उनसे कुछ होने वाला है ना ही होगा। ये एक राजनीतिक मामला है। असलियत में ओजोन का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका था, उस महत्वपूर्ण तरीके को ये पार्टी लेके नहीं चली। क्या कुछ है इस ओजोन की सच्चाई, क्या ओजोन सही में हटने वाला है और किस तरह हटने वाला? देखिए, जब केंद्र सरकार ने अभी एक घोषणा की है कि हम जितनी भी दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनी हैं उनको हम पास करने जा रहे हैं, जब कोई भी कॉलोनियां पास हो जाएंगी, अगर उसमें ओजोन का मुद्दा है या नक्शे पास करने का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही वो प्रोसीजर में आ जाएगा, ओजोन रहेगा ही नहीं। तो वो ओजोन का तरीका हटने का एक तरीका तो ये है। एक तरीका वो था जब दिल्ली सरकार अपने यहाँ रेजुलेशन पास करके और इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डिमार्केशन कराती शुरू में ही, जब सरकार बनी, जैसे इन्होंने कहा 3 महीने में करेंगे, 6 महीने में कर देंगे, 3 महीने का है मुझे ध्यान कि 3 महीने में ओजोन हटा देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। इनको इस ओजोन के बारे में NGT को संपर्क में लेकर के और अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर आता है, इनकी जो नक्शा वगैरह जो भी इनके पास है उनको लेकर के इसकी नापतोल करनी चाहिए थी। यमुना का दायरा कहाँ है और यमुना के दायरे से कितने बाहर जाना है, कितने अंदर जाना है, तो ये सब मुद्दे इन्होंने नहीं कराए। अब जाके ये इस साल में पीछे इन्होंने डिमार्केशन कराई, लेकिन वो डिमार्केशन का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ,
क्योंकि उसको पूरा परफॉर्मा बना के, पूरा उसको पिक्चर बना के, उसका नक्शा बना के बाकायदा सरकार को जमा करना है। फिर ये दिल्ली सरकार केंद्र को भेजेगी, केंद्र सरकार उस पर कार्य करेगी, तब जा कर के ओजोन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर ओजोन के बारे में सोचा जाएगा कि यमुना से कितनी दूरी पर ये चीज़ें हैं। सांसद आपके रमेश भिधूरी जी हैं, विधायक आपके यहाँ नारायण दत्त शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से, और कई बार चर्चा कर ली गई, कई बार हम लोगों ने भी खबरें फैलाने की कोशिश की, आप लोगों ने भी कागजी कार्रवाई की होगी। लोहिया पुल अब तक नहीं बना, काम शुरू होता है बंद हो जाता है। मीठापुर पुल जिस पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि पुल क्षतिग्रस्त है, उस बोर्ड को हटा लिया जाता है वापस बिना रिपेयर किए, बिना कुछ कार्रवाई किए, क्या ये जनता के साथ छलावा नहीं? बिल्कुल ये जनता के साथ छलावा है, और इसका इसको करने का, इस कार्य को पूरा करने का काम किसका है, ये भी तो आप मुद्दा उठाइए। इस बात बिल्कुल हम पूछ रहे हैं, हमारा काम है पूछने का जवाब। देखो इसका तरीका ये है, जो तरीका बना हुआ है पहले से जी, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ना दिल्ली सरकार उसको चेंज कर सकती है, ना केंद्र सरकार चेंज कर सकती है। हमारे यहाँ जो लोहिया पुल है वहाँ केवल एक नहर आती है, वो आगरा नहर है। आगरा नहर पे जो पुल बन रहा है उसको बीजेपी की सरकार आज यूपी में है, उससे पहले दूसरी सरकारें भी रही हैं, उसको सरकार बनाएगी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है यूपी का, वो उसको फॉलो करता है, और जिसके क्षेत्र में वो पुल आता है वो सरकार उसका पैसा देती है जितना उसमें बजट होगा। तो इसका बजट देगी दिल्ली की सरकार और पुल बनाएगी उनकी। सवाल ये है, देखिए पुल बिल्कुल, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा भाई साहब, कई बार चर्चा की है और आज मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लियर हो कुछ आपसे। तो सवाल ये है कि पुल आपके क्षेत्र में है, उपयोग उसका आपके क्षेत्रवासी करेंगे, भले ही नहर यूपी में आती हो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार वर्तमान की उसका बजट पारित करके, उनके इंजीनियर से संपर्क करके, उनको रिक्वेस्ट करके कि हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं, बजट हम पारित कर रहे हैं, जिस तरह की बात भी की गई थी विधायक द्वारा, तो अभी भी क्यों उसको अटका दिया जाता है? कुछ दिन काम चलता है फिर रुक गया, ये इसमें कहीं ना कहीं कोई तालमेल की कमी है, दिल्ली सरकार की कमी है, दिल्ली सरकार की कमी है। अपनी कमियों को मैं दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकता, ये दिल्ली सरकार का मामला है, दिल्ली सरकार इसका बेहतर जवाब दे सकती है। दिल्ली सरकार को ही ये पुल बना पैसा देना है, दिल्ली सरकार को पूरा पैसा पे करना है यूपी सरकार को, जो इसको पुल को बना रही है। अब मेरे यहाँ पे मीठापुर चौक पे दो नहरें आ जाती हैं, एक है गुड़गावा कैनाल, एक है आगरा कैनाल, ये दोनों तरफ की है। जो आगरा कैनाल है उसका पैसा दिल्ली सरकार यूपी सरकार को देगी, जो आपकी गुड़गावा कैनाल है उसका पैसा दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को देगी, और वो पुल तैयार करेंगे। पहले भी यही प्रोसीजर रहा है, आज भी वही प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार है, उसको पूरा क्यों नहीं करती? ये केंद्र का मामला नहीं है, ये जो निगम का मामला नहीं है, ये पुल बनाना जो है ये दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी, और इसको वो सरकार बनाएगी जिस सरकार के नाम से वो नहर है, उस डिपार्टमेंट से पुल बनेगा, चाहे मेरे यहाँ है दिल्ली में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे यूपी में है, वो कहीं भी वो प्रोसीजर, अगर दिल्ली की कोई नहर है तो वो जाती है कहीं से निकल के आती है दिल्ली की तरफ में, तो उसके लिए जिस क्षेत्र में वो आएगा वो बना। अगर ये यूपी में नहर आती है वहाँ यूपी वाले बनाएंगे अपने आप। राणा साहब, अभी हाल फिलहाल में ही विधायक जी ने एक जवाब देते हुए कहा कि यहाँ गुरु और चेले की राजनीति चल रही है, रामवीर भिधूरी को उन्होंने गुरु करार दिया है और चारों पार्षद जो आप लोग हैं ये चेले उनके हो गए, तो ये लोग मिलके क्षेत्र को लूट रहे हैं, तोड़फोड़ ये करवा रहे हैं, ये अवैध वसूली करते हैं, क्या जवाब रहेगा? देखो मैं एक बात कह सकता हूँ, जब कोई व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा ही उसको दूसरे की तरफ भी दिखाई देता है। यहाँ पे इस व्यक्ति को जब बनाया गया था विधायक तब इसकी पोजीशन क्या थी, और केवल 4.5 साल में अगर आप रहे हैं उनके साथ, चुनाव कैंपेन में भी हमने लगातार देखा है आपको। मैं कैंपेन में लगातार नहीं रहा उनके साथ,
मैं 2 या 3 मीटिंगें मैंने उसमें अटेंड की थी। मैं कभी जो है ना झूठ नहीं बोलता, राजनीति में झूठ नहीं बोलता। जब जब मैंने देखा कि ये लोग तो दिखावा कुछ करते हैं, इनका चेहरा दूसरा है, इनका मन दूसरा है, तो हमने कहा कि अगर इस क्षेत्र का विकास करना है तो रामबीर सिंह बिधूड़ी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमने पार्टी में उसमें जाते जाते हमने अपनी ही पार्टी में वापस बीजेपी में अपने कदम रोक लिए। 1-2 मीटिंगों में गए थे। सबसे ज़्यादा इसने जातिवाद का जहर घोला है इस क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा, जो कि यहाँ पर कभी जातिवाद का नारा किसी भी नेता ने नहीं दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। रही बात गुरु और चेले की, कोई ना कोई किसी का चेला होता है राजनीति में, कोई ना कोई किसी का गुरु होता है। अब इनका गुरु घंटाल जो है वो केजरीवाल है। अगर हमारा गुरु रामबीर सिंह बिधूड़ी है तो रामबीर सिंह बिधूड़ी पे काम करने का तरीका आता है। रामबीर सिंह बिधूड़ी ने जो कार्य करके लाइन खींच दी, उस लाइन से जिस दिन ये बड़ी लाइन खींच देगा उस दिन हम इसको मान लेंगे कि ये काम करने वाला व्यक्ति है। अभी तक रामबीर बिधूड़ी ने जो लाइन खींची है काम की, विकास की लाइन, उस विकास की लाइन से बड़ी लाइन कोई खींच नहीं पाया है। सच्चाई यह है, भले ही हम उनके साथ रहे हों चाहे उनसे विरोधी रहे हों। अच्छा, एक और सवाल मेरा वाना साहब, मोदी जी स्वदेश वापस आ गए हैं, अमेरिका और तमाम जो उनको हाउडी मोदी कार्यक्रम में जिस तरह सम्मानित किया गया, जो अमेरिकी भारतीय थे वहाँ रह रहे जो भारतीय हैं उन्होंने उनका स्वागत अभिनंदन तो किया ही, कल रात में उनका पालम एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया, वहाँ मैं मौजूद था और वहाँ हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुँचे। ज़बरदस्त भाषण था, सीधा उन्होंने 28 जो सितंबर है उसको याद किया, पिछले 3 साल वाले जो एयर स्ट्राइक हुआ था। तो आप क्या कहेंगे, मोदी जी जिस तरह दूसरे देशों में, अन्य देशों में जाकर वहाँ अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या लाभ इसका मिल सकता है भारत? मैं आपके शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या बिहार के? बिहार के रहने वाले हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं। अगर बिहार से चलकर आप इस दिल्ली के अंदर आए और इस दिल्ली के अंदर आप बहुत अच्छे कार्य करते हो जिससे आपके नाम पर कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देता है लोगों को और वो आवाज़ आपके गांव तक जाती है, आपके शहर तक जाती है, तो सबसे पहले उस प्रदेश का नाम होगा, उसके बाद में आपके क्षेत्र का नाम होगा, फिर आपके कस्बे का गांव का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा अगर आप अच्छा करेंगे तो। मोदी जी ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे देश की छवि खराब हो, देशवासियों को गर्दन झुकानी पड़े। अगर वो वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले एक ही शब्द कहते हैं कि मेरे 130 करोड़ भारतीयों को ये श्रेय जाता है, मेरे 130 करोड़ भारतीयों को ये सम्मान मिला है। कौन रह गया फिर बाकी? कोई जाति नहीं रही इस देश की, ना कोई धर्म रहा। तो 130 करोड़ की जो आबादी है उसको अपने अच्छे कार्यों का श्रेय देना वो व्यक्ति को बड़ा करता है। और जब व्यक्ति को समाज, जनता, देश बड़ा करती है तो उसको दूसरे देश भी इज्जत देते हैं। जब आपको इज्जत इस देश में मिलेगी अच्छा काम करने की, तो दूसरे देश में भी आप जाएंगे वहाँ भी आपको सम्मान मिलेगा कि कितना लोग इनको चाहते हैं। तो ये एक आत्मविश्वास है लोगों का, एक कार्य शैली है मोदी जी की जिस पर लोग भरोसा करते हैं कि मोदी जो कहेगा उसको करेगा जरूर, देर या सवेर। कुछ ही समय में अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है कि क्या हलचल होने वाली है यहाँ पर, कौन आगे निकलेगा? देखो, मेरे अंदर एक कमी रही, चाहे मंच हो, चाहे कोई आप जैसा भाई इंटरव्यू ले रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति मेरे से सवाल करे, आम आदमी कोई भी, मैं एक ही बात बोलता हूँ जो सच है। सच यही है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट कोई भी ले सकता है जिसका ताल बैठ जाए, लेकिन जो व्यक्ति कार्य कर सकता है, जो इस क्षेत्र को विकास दे सकता है,
वो केवल और केवल एक आज की दिनांक में, तो आगे कोई बड़ा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आज की डेट में जिसकी ज़रूरत है वो सबसे बेहतर ज़रूरत है रामवीर सिंह विधूड़ी की। इसलिए नहीं कि आज मैं उनका उनके साथ हूँ या मैं उनके, मेरी पत्नी को उन्होंने पार्षद बनवाया है, जितवाया है। कहीं ना कहीं जितवाने वाला जो होता है उसका सहयोग जितना होता है उससे, अगर उसका सहयोग 30% है या 40% है, तो 60% उसका भी होता है जिसको आप लड़ा रहे हैं, उसका भी जनता के अंदर विश्वास होना चाहिए। लेकिन लहर की बात होती है, कई लोग लहर में हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? उनकी अपनी छवि नहीं होती। तो रामवीर सिंह विधूड़ी की छवि है काम करने की, छवि बहुत काम करने की है। हाँ, एक चीज़ है, जब कोई व्यक्ति काम करेगा तो क्षेत्र में उसका आवागमन कम हो जाएगा। फॉर्मेलिटी नहीं करते वो साफ कह देते हैं कि भाई मैं आपकी फाइलें वहाँ से पास कराऊँ, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा, या मैं क्षेत्र में ज़्यादा वक्त, क्षेत्र में उस समय पे वक्त कम दिया जाता है। लेकिन ये भी होता है कि हर संडे, जब भी वो विधायक रहे, हर संडे जनता दरबार उनका लगता रहा, हर संडे सप्ते में, और उनके आदमी पर डे काम देखते रहे। बिल्कुल, तो आवाना साहब बेहतर मानते हैं और ये भी उम्मीद है कि भाजपा यहाँ से सीट निकालेगी। बिल्कुल, देखो उम्मीद तो हर व्यक्ति करता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा की अगर दिल्ली में सरकार होती तो आज ये मुद्दे हमारे सामने खड़े ना होते, लोग इस तरह से मायूस ना होते, उनके कार्य अब तक ओजोन ख़त्म, सब कुछ हो जाता, सारा कुछ हो जाता, कॉलोनी नहीं अप्रूव हो जाती। अगर केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है वो एक ही पार्टी की होगी और नीचे निगम एक पार्टी का होगा, तो तीनों के तालमेल से जो काम होगा उस काम का तरीका ही कुछ और होता है। क्योंकि ये लोग बीच में जो आ गए हैं, ये केजरीवाल, ये काम करना नहीं चाहते, बदनाम ज़्यादा करना चाहते हैं दूसरे को। चलिए, कीमती समय दिया आपने आवाना साहब अपना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवाना साहब से हम आपको सीधे मिलवा रहे थे और कई तथ्यों से आज इन्होंने पर्दे हटाए हैं, कई तरह के जो दावे हैं वो इनके हैं, और ओजोन को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है तो उसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, केंद्र सरकार को है, कि वे स्लम कॉलोनी या यूँ कह लीजिए जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनको पक्की कराने जा रहे हैं, और अगर उसी पक्की कॉलोनी में इस बदरपुर को भी सम्मिलित किया जाता है तो ओजोन अपने आप इस क्षेत्र से हटेगा। सीधा सीधा और संपूर्ण एक तरह से कह लीजिए इस क्षेत्रवासियों को यहाँ निजात मिलेगी। साथ ही इन्होंने यहाँ के विकास पुरुष के रूप में फिर रामवीर विधूड़ी को देखा है, और इनका मानना है कि रामवीर विधूड़ी जी ही इस क्षेत्र को और अच्छे तरीके से सुखी और संपन्न बना सकते हैं। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24, बदरपुर, दिल्ली।